आपने जनजाति क्षेत्रीय विकास मांग संख्या 30 पर मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। माननीय सभापति महोदय, पूरा ही मेवाड़ और पूरा ही देश में वे रहने वाला आदिवासी भाई भगवान राम से लेकर के जिन महापुरुषों ने, जिन विद्वानों ने चाहे युद्धों में आदिवासियों की आवश्यकता पड़ी हो तो उन्होंने कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ देने का काम किया। उदाहरण के लिए मेवाड़ में महाराणा प्रताप, जो मेवाड़ की धरती, राजस्थान की धरती, वीरों की धरती कहलाती है, उस महाराणा का सहयोग करने के लिए भी मेवाड़ के आदिवासियों ने कई पीछे नहीं रहे। और महाराणा तो वो समय आ गया था कि घबरा गए थे कि युद्ध हारने वाला हूँ मैं, यूं करके निराश हो गए थे। लेकिन उस समय उनके सहयोगी के रूप में राणा पूजा नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने कहा, मेवाड़ों मत घबराए राणा, इस तरह का वाक्य कहते हुए महाराणा प्रताप को हिम्मत दे और पूरे कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़े और महाराणा की विजय हुई। इसी तरह आज़ादी की लड़ाई की मामला हो, अंग्रेजों का मामला हो, गुरु गोविंद मानगढ़ की पहाड़ी का मामला हो, अंग्रेजों ने तोप चलाई हो, 1500 आदिवासी शहीद हुए हैं मानगढ़ की पहाड़ी पे, ये कोई कम इतिहास नहीं है। इतना बलिदान शुरू से करने के बाद आज भी आदिवासी परिवार ऊपर नहीं उठा। मैं हमारे सत्ता में बैठे भाइयों को पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, आज़ादी के इस 72 वर्ष में राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा सरकारें रही हैं तो कांग्रेस की रही है। आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आदिवासियों को विकास के लिए बारीकी से योजना बनाई जाए, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, पोल बनाने का मामला हो, स्कूलों को क्रमोन्नत करने का मामला हो, आदिवासी परिवारों को नौकरी देने का मामला हो, ये सब जिम्मेदारी उनकी बनती थी। लेकिन उन्होंने इस तरह का आदिवासी वोट बंद कर रह जाए, पढ़ लिख जाएगा तो हमें वोट नहीं मिलेगा, इस भावना को देखते हुए मुझे लगता है कि कोई योजना नहीं बनाई। माननीय मंत्री महोदय यहाँ पर विराजे हुए हैं, सभापति जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान का अंतिम रूप दिया और उस अंतिम रूप में पूरे देश के अंदर उस संविधान में ये व्यवस्था दी गई कि भारत के अंदर रहने वाले हर कोने का आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी का परिवार उन्नति करे, आगे बढ़े, उसके लिए 10 वर्ष का आरक्षण की व्यवस्था करते हुए उन्होंने ये राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय को कहा कि हर 10 साल का हिसाब दो, जितना आदिवासी नहीं बढ़ा जब तक इस आरक्षण को बढ़ाते रहो। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गए टाइम पर समय पूरा होने के बाद आपने एक मिनट नहीं लगने दिया और 10 साल का समय आरक्षण की व्यवस्था आगे बढ़ाई, जिससे जरूर इस 10 सालों में बढ़ाते रहे वो संविधान। माननीय मंत्री जी बिराजो, मंत्री जी, वो संविधान की व्यवस्था मैंने कहा है कि जब तक नहीं विकास होगा तब तक बढ़ाते रहे, सरकार किसी की भी आए, चाहे आपकी आई हो, तो जिम्मेदारी संविधान को देखते हुए है बढ़ाने का प्रावधान, तो उसमें भी मोदी जी ने संविधान के आधार पर किया।
आपको तकलीफ हो तो मैं आपको बता भी देना चाहता हूँ कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी का राज राजस्थान के अंदर आया, भैरव सिंह जी शेखावत जी मुख्यमंत्री बने होंगे और ये हमारा टीएडी का मंत्रालय राजस्थान में पहली बार शुरुआत हुई, इस टीएसपी एरिया को घोषित करने का काम किया तो भैरव सिंह जी ने पहले किया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। इसमें बुरिया कमेटी और अटल जी को भी श्रेय जाता, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अगर भूरिया कमेटी लागू नहीं की होती कि आज हमारे मेवाड़ के अंदर टीएसपी एरिया के अंदर सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख एसटी के चेयरमैन के रूप में नहीं होते। ये सारा हमारे पास तो प्रमाणिक बात मैं बोल रहा हूँ इस सदन के अंदर। माननीय सभापति महोदय और माननीय मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि जिस तरह की ये व्यवस्था बजट में की गई है इस टीएसपी एरिया के विकास के लिए, इन व्यवस्थाओं के लिए आप एक आधी बार टीए के अपने आदिवासी जितने भी हमारे एमएलए हैं टीएसपी क्षेत्र के 28 एमएलए आते हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे और हैं, उनको आप बुला करके उनसे तो सलाह मशुरा करके, क्योंकि ये भारत सरकार अगर टीएडी का बजट देता है तो जनसंख्या के अनुपात में देता है, तो हमारे विधायक लोगों का अधिकार बनता है माननीय मंत्री महोदय कि आप अलग से हमको बुला करके यहाँ पर इस एरिया में कौन सा विधानसभा में कौन सी सड़क बनानी है, कौन सा वहाँ पर जनजाति आश्रम छात्रावास खोलना, उस आश्रम छात्रावास के अंदर क्या बाथरूम सही बना हुआ है, क्या बाउंड्री सही बनी हुई है, क्या उस बच्चे को रहने की व्यवस्था सही है, पीने के पानी सही है, लाइट लगी हुई है कि नहीं है, उन बिस्तरों की हालत क्या है, उन चद्दरों की हालत क्या है, उन तकियों की हालत क्या है, ये तो जरा जा करके देखना पड़ेगा अपने को। ये बातें छोटी मोटी बातें आपके पास में हमारे जैसे विधायकों को आप बैठाओगे, हमारी राय आप लोगे, निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ कि आपका ये जनजाति का विभाग आपके नेतृत्व में राजस्थान में आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी तक आपने हमें, हमने आपसे निवेदन भी किया, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अलग से भी कहा कि माननीय मंत्री महोदय को कहो कि टीएसपी के विधायकों को जो भारत सरकार पैसा बजट दे रही है उसमें हिस्सेदार बनाए, उनके मांगों के अनुसार कामों की स्वीकृति की जाए। मुझे तो अभी तक नहीं लग रहा, मैं बाकी जगह क्या कह सकता हूँ, मंत्री जी मेरे क्लास फेलो हैं, कॉलेज के साथी हैं, एक ही जिले से आते हैं, फिर भी मेरे विधानसभा में आपने अभी मेरे कहने के अनुसार आपने एक भी अनुशंसा नहीं करी है, ये बड़ी खेदजनक बात है। इसलिए मैं आपसे विश्वास रखता हूँ, काम कहता भी हूँ, मांग भी करता हूँ कि मेरा दो क्षेत्र ऐसा है, पीपलकोट जो प्रतापगढ़ जिले के अंदर आता है, वहाँ पर बोरी बाणगटी जामली केसरपुरा इन जगह पर अगर आप एक छात्रावास तो बालकों को खोल दे, एक लड़कियों को खोल दे, तो वो दूरस्थ मेरे विधानसभा क्षेत्र गौतमेश्वर के पास का एरिया है, वहाँ की बच्चियों को और बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा। आपको मैं एक बात का धन्यवाद दूंगा, आपने मेरे को बताया था कि कोटा में कोचिंग करने वाले लड़कों के लिए आपने गए साल से कोचिंग, निःशुल्क कोचिंग की आपने बजट में प्रावधान करके व्यवस्था की है। लेकिन मेरा निवेदन है कि बांसवाड़ा जिला, डूंगरपुर जिला, उदयपुर मुख्य आवास, माउंट आबू जो हमारा एरिया पड़ता है, वहाँ पर भी आज प्राइवेट कोचिंग चल रही है, तो क्यों नहीं आप उसमें प्रावधान करके वहाँ पर भी हमारे निःशुल्क कोचिंग की आप व्यवस्था करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे लड़के आगे बढ़ करके प्रश्न। अभी माननीय हमारे वरिष्ठ सदस्य माननीय दयाराम जी, ये भी टीएडी मंत्री पहले रहे हैं, सभापति महोदय भी टीएडी मंत्री रहे हैं, नंदलाल जी मीणा नहीं है हमारे बीच में लेकिन वो भी ये टीएडी मंत्री रहे हैं, और आप वर्तमान में टीएडी मंत्री हो, इन मंत्रियों का भी बंटवारे का काम हमने देखा है, और आपसे आशा करता हूँ कि घाटोल विधानसभा के अंदर आप प्रशासनिक, आप अमरथोन और ये जामली के अंदर दो छात्रावास खोलने के लिए मैं आपको निवेदन करूँगा। निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि आप अपनी व्यवस्था बजट के अंदर करके आप मेरी बात को मानेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि हर विधायक को ज़्यादा नहीं तो पेयजल के लिए आप टीएडी मत से कम 100-100 हैंडपम्प अलग से प्रावधान करें तो बहुत ही बढ़िया है। मुख्यमंत्री जी ने तो 40-40 दिए, ट्यूबवेल दिए 10-10, उनको तो मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कि उन्होंने तो इतनी हिम्मत की, लेकिन आपके पास तो बहुत बड़ा टीएडी का खजाना है, तो उसको आप खाली करने की कोशिश करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ
कि हमारे जब भारतीय जनता पार्टी गए टाइम सरकार थी उस समय टीएडी का बजट लगा करके माननीय वसुंधरा जी ने पूरे संभाग में ना राजस्थान में कम से कम 1000 आंगनवाड़ी माँबाड़ी केंद्र खोलने का प्रावधान कर दिया। ये तीसरा बजट जा रहा है, आपकी सरकार ने और आपने क्यों नहीं ऐसा निर्णय लिया कि हमारे संभाग में जहाँ पर विद्यालय नहीं वहाँ पर माँबाड़ी केंद्र खोल करके वहाँ एक नहीं दो दो अध्यापक मानदेय पे आप लगाने का व्यवस्था उन धाणी मजरों पहाड़ों में अगर आप करें, अभी भी मौका है, आप इसमें प्रावधान करें, आपके हाथ में है। मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय, इस तरह का इस माँबाड़ी केंद्रों में भी करें। रोज हमारे पास में घर जाते हैं, कम से कम सुबह से शाम तक 1 से 10 लड़के बेरोजगार माँबाड़ी केंद्र की दरखास्त लेकर के हमारे पास में आते हैं। अब हम बजट भी बताएंगे तो उसमें तो कोई प्रावधान ही नहीं, तो वहाँ नहीं है प्रावधान। तो मेरा निवेदन है कि ये टीएडी का पैसा लेकर के आप इसमें माँबाड़ी केंद्र में बिल्डिंग भी बनावे, आंगनवाड़ी केंद्र में बिल्डिंग ही नहीं वहाँ पर भी आप मांगे, दूसरे डिपार्टमेंट में आपका पैसा जा रहा है, इससे तो भला हो आदिवासी गांव और धाणी मजरे में आपका बजट जाए तो हमें अच्छा लगेगा, शायद छोटा पुल बनावे, शायद छोटा हैंडीकट बनावे। आपने देखा होगा सड़कें हमारी अधूरी पड़ी हैं गांव धाणी के लिए। मैं तो अटल जी नहीं रहे हैं इस धरती पे, हिंदुस्तान की धरती पे, लेकिन उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको याद करता हूँ कि ये मेवाड़ी नहीं पूरा राजस्थान पूरा देश गाँव धाणियों से धाणियों में रहने वाले लोग बड़ी सम्मान के साथ में अटल जी को याद करेंगे कि आपने प्रधानमंत्री सड़क योजना पहली बार संसद के अंदर लागू करने का काम किया, जिसकी वजह से आज पूरे देश के गांव सड़कों से जुड़े हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि पिछले 3 साल से जो सड़कें हमारी पीएमजीवाई की स्वीकृत थी, जिसके टेंडर हो गए थे, ठेकेदारों ने काम कर दिया, लेकिन आज तक सरकार ने उनका पैसा न देने की वजह से कोई टेंडर लेने के लिए या कोई काम करने के लिए तैयार मजबूर हो गया। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह के काम जिस तरह से मोदी जी पूरे देश में भी गरीब को ऊपर उठाने के लिए जी सब्जेक्ट तो वही तो जनजाति पे ही तो बोल रहा हूँ, मेरा कोई सेंस नहीं है, मैं जनजाति पे ही बोल रहा हूँ, जनजाति का विकास हो। आपके राज में काम नहीं हुआ जनजाति का, आपके राज में तीसरे बजट में हमारे जनजाति क्षेत्र में बजट नहीं मिला, हमारे कहने के अनुसार कॉलेज नहीं खुले, हमारे कहने के अनुसार नए स्कूलें नहीं खुले, तो हम तो इस बजट पे इस विषय पे बोल रहा हूँ, मैं इस विषय से छोड़ के नहीं बोल रहा हूँ। इसीलिए कृपया शांत रहें, इसलिए मेरा आपसे सरकार से निवेदन है, मेरा सरकार से भी निवेदन है, आज मेरे बांसवाड़ा जिले की कलेक्टर का भवन जो बरसों पुराना बना हुआ है पीडब्ल्यूडी वालों ने डिसमेंटल कर दिया, उसमें बैठ नहीं सकता अधिकारी, ये कह दिया कि ये कभी भी गिर सकता। आज एसपी का ऑफिस उस बिल्डिंग के अंदर, डीओसओ का बैठो ऑफिस उसमें, एडिशनल एसपी का ऑफिस उसमें, कलेक्टर साहब उसमें बैठते हैं, एडीएम साहब उसमें बैठते हैं, कब वो बिल्डिंग गिर जाएगा, कितने कर्मचारी कितने हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का नुकसान हो जाए। माननीय मंत्री महोदय, सरकार ने बजट में मैंने कहा था लेकिन उसमें कोई प्रावधान नहीं किया, तो आप टीएडी मत से भले कलेक्टर का भवन बना करके आप फीता काट के उद्घाटन कर दें तो हम स्वागत करेंगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी के साथ में मैं एक और मांग कर रहा हूँ, घाटोल में मेरे पंचायत समिति का भी ये हाल है, पुरानी बिल्डिंग 62 के अंदर बिल्डिंग बनी हुई है, 62 के अंदर बनने के बाद में होता क्या है कि वो बिल्डिंग डिसमेंटल कर ली, आज भी वहाँ पर विकास अधिकारी और स्टाफ को बैठने की जरूरत है नहीं, बजट में प्रावधान किया नहीं है। मैंने मांग भी रखी थी लेकिन मैं आज सदन के माध्यम से सभापति जी के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को ध्यान याद दिलाना चाहता हूँ कि आप इस तरह का काम करें कि उस बिल्डिंग का बनाने का भी काम कर, आपने नाम बदलने का काम भी किया, लेकिन जनजाति क्षेत्र के अंदर हमारा दुर्भाग्य है। मैं एक आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे राज के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से सामुदायिक भवन स्वीकृत किए थे पंचायत समिति मुख्यालय पर, और वो लागत किसकी थी 45 लाख के, लेकिन सारी प्रक्रिया होते होते आचार संहिता लगने की वजह से वो भवन बने नहीं। लेकिन अभी गए बजट के अंदर आपने प्रावधान किया, उसमें लिखा है
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक भवन और उसकी लागत 45। कोई बात नहीं, आपने नाम बदल दिए, बदल दिया कोई बात नहीं, लेकिन उस भवन को बनाओ तो सही। मैंने घाटोली विधानसभा में उस भवन का शिलान्यास मैंने वहाँ मीना संस्थान में किया था, जहाँ आपकी गाड़ियाँ भी वहाँ होकर के हाईवे पे होके जाती हैं। भले भारी मेरी पट्टी का हटा देना, लेकिन वहाँ पर आप भी इस भवन को वापस बनाने का काम अगर जल्दी कर देंगे तो जनता आपको याद करेगा। मेरा माननीय सभापति सरकार से आग्रह है और निवेदन है कि पीपल कोट क्षेत्र के अंदर जो हमारी बिजली की पानी की व्यवस्था टंकियां तो बन गई हैं एलएनटी कंपनी के द्वारा, जो पिछले हमारी सरकार ने शुरुआत की थी, जिसमें आपका भी एरिया पड़ता है आधा और आधा एरिया मेरा भी पड़ता है। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है कि माई बांध हमारा उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा बांध है, वहाँ से कई जगह पावर हाउस से बिजली की उत्पादन होता है, लेकिन दुर्भाग्य ही है कि एक रामगढ़ गांव है जो माई के गेट लगे हुए उसके पास का, जो कुछ मकान तो मेरे विधानसभा में आते हैं और पूरा गांव 70% गांव आपके विधानसभा में आता है, और दुर्भाग्य ये है कि उस गांव को आज एक बिजली का एक बल्ब वहां पर नहीं मिला, लाइन नहीं गई, उन लोगों को उनकी जमीनें भी डूबी है, वो देख रहे हैं माई बांध इतना बड़ा वहां पर 5 नंबर पे भी बिजली उत्पादन हो रही है, दूसरी जगह पर भी हो रही है, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं हो रहा। तो उस रामगढ़ के लोगों के लिए मंत्री महोदय उन लोगों की डिमांड नहीं भर पाएंगे तो TAT का बजट दे करके उस गांव को उजाला में लाएं, तो वो लोग हमें भी आपको भी याद करेंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है। कृपया समाप्त करें, अभी शुरू किया है मैंने। माननीय सभापति महोदय, मेरा सरकार से एक निवेदन है, मैं प्रधान रह करके आया हूँ और MLA बन के आपके बीच में हूँ। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि पंचायत समिति में नरेगा जैसी योजना है और सरकार ने श्रमिक कार्ड बना करके एक तोहफा दिया था, उस 100 दिन मजदूरी करने वाला श्रमिक का अगर हाथ कट जाएगा, पांव कट जाएगा, आया उसकी उसकी कोई घटना हो जाएगा, तो उस श्रमिक कार्ड के माध्यम से उसको बहुत बड़ी बेनिफिट मिलने वाला था। लेकिन आपकी सरकार आने के बाद में आपने पंचायत समिति से उस श्रमिक कार्ड को बनाने की योजना जिला हेडक्वार्टर पे आपने कर दी, वहां पर कर दी, जिसकी वजह से वहां ना तो श्रमिक अधिकारी है, ना वहां पर स्टाफ बैठता है, ना वहां पर 100 दिन काम करने वाला मजदूर वहां तक जा सकता है हेडक्वार्टर तक। इसको आप परिवर्तन कर रहे हैं, सरकार इस मामले को परिवर्तन करके वापस इस श्रमिक कार्ड की बनाने की पंचायत समिति में व्यवस्था करें, तो वहाँ के स्थानीय लोग जो रोजगार करते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा श्रमिक कार्ड बनेगा। समाप्त करें, माननीय सदस्य समाप्त करें, समय आपका हो गया। हेलो, अच्छी बात है, आपकी बात को मानते हुए आपने मेरे को बोलने के लिए इस तरह की बात, सैम लोढ़ा जी, अरे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।